हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। दिस इज कैप सर। आज के इस वीडियो में हम मैथ्स 2 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का इंपॉर्टेंस हम देखने वाले। देखते हैं ऐसे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना चाहिए। ओके, बिकॉज इनडेफिनिट इंटीग्रेशन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 मार्क के 3 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 मार्क क्वेश्चन के जो प्रॉब्लम है ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, चैनल पर अवेलेबल है वीडियोज, तो आप देख सकते हो। और आज 4 मार्क का क्वेश्चन जो है, एक वीडियो अपलोड हो चुका है 4 मार्क क्वेश्चन पे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपलोड हो चुका है, वो देख लेना। ये जो सेकंड प्रॉब्लम, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रूफ के फॉर्म में पूछा जाता है। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है और कैसे हमें ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। क्वेश्चन क्या है, प्रूफ दैट इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इनटू डीएक्स इक्वल टू व्हाट एक्स बाय टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन वर्स ऑफ व्हाट एक्स बाय ए प्लस सी। मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आई नो, मतलब थोड़ा बड़ा दिख रहा है, बट इसका सोल्यूशन काफी ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। 4 मार्क के लिए मार्च 2016 में पूछा आ चुका है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस है एग्जाम में, ओके। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको करके जाना चाहिए, ओके। मैं फटाफट आपको सॉल्व करूंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा कैसे करना है, ओके। देखो ये ऐसे प्रॉब्लम में, देखो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि एग्जैक्टली ये जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो एग्जाम में जब आएगा तो आपको यही आइडेंटिफाई भी करना पड़ेगा। बिकॉज कैसा है, एक और प्रूफ है, 2 और प्रूफ है जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया, उसमें कैसा है, यहाँ पे इंटीग्रेशन फॉर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसके लिए अलग प्रूफ है। या फिर अगर ऐसा रहा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, उसके लिए अलग प्रूफ है, ओके। तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कौन सा प्रूफ है, ठीक है। यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई करने का सिंपल तरीका ये है कि देखोगे यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, सबसे पहले ए स्क्वायर रहेगा, ए मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे ए लिया है। तो इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा इनटू डीएक्स, मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहने वाला है, और इसके प्रूफ में साइन इनवर्स आएगा। तो ऐसे में जो मैं अभी तरीका बताऊंगा, वो तरीके से आपको सॉल्व करना है, उसको प्रूफ करना है, ठीक है बच्चों, ओके। चलो अभी करते हैं सोल्यूशन, इसका स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ओके। यहाँ पे सोल्यूशन क्या हो जाएगा, आई यहाँ पे मैं सोल्यूशन में क्या लेता हूँ, सबसे पहले लेट लेता हूँ। लेट क्या लिया, लेट आई इक्वल टू जो एलएचएस में दिया हो उसको लेट करने का, ओके। स्टार्ट फर्स्ट स्टेप क्या है, पहले लेट किया आई, आई की जगह ये पूरा लिखा है ना, ये इसको ऐसे लिख दो, क्या है यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ वर्ड ए स्क्वायर माइनस वर्ड एक्स स्क्वायर इंटू वर्ड डीएक्स है, इंटू वर्ड डीएक्स दिया हुआ है, ठीक है, ओके। अभी क्या करना है बच्चों, अभी देखो क्वेश्चन में आप जाओ, क्वेश्चन में देखो आप देखो साइन दिया हुआ है एक्स और ए है, ओके। तो अभी आपको क्या करना है, पुटिंग मेथड अप्लाई करना है, क्या करना है, पुटिंग करना है, मतलब लेकिन कैसे करोगे, इसके रिफर करने का, यहाँ पे साइन है एक्स और ए, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या करोगे, पुट एक्स इक्वल टू साइन, ओके, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, क्या पुट करोगे, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा पुट किया। अभी एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा क्यों पुट किया, अभी आपको पता चलेगा। देखो कहीं भी आप पुटिंग मेथड अप्लाई करते हो, ओके, पुटिंग मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, उसका जो थीटा का वैल्यू होता है वो भी फाइंड करते हैं और डिफरेंशिएट भी करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करके हम लोग थीटा का वैल्यू फाइंड करते हैं। थीटा का वैल्यू फाइंड करने के लिए ए को मेरे को इधर भेजना पड़ेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन में ए क्या हो जाएगा, साइन थीटा, साइन थीटा, देन थीटा मुझे पता करना है तो मुझे इस साइन को इधर भेजना पड़ेगा, साइन इनवर्स हो जाएगा। तो थीटा विल इक्वल टू व्हाट, साइन इनवर्स ऑफ व्हाट, साइन इनवर्स ऑफ व्हाट, एक्स अपॉन में, एक्स अपॉन में, क्या आपको ये साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन में यहां पे आरएसएस में दिख रहा है, यस यहां पे दिख रहा है। मतलब अगर हम लोग एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा पुट करेंगे तो हमें आरएसएस में जो चाहिए वो मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा पुट कर रहे हैं, ओके, ठीक है। अभी देखो जो पुट किया था उसको डिफरेंशिएट किया था, तो फटाफट इसको डिफरेंशिएट कर देते, लेकिन डिफरेंशिएट करते समय आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, बिकॉज यहां पे हम लोग थीटा को, हम लोग को ये पूरा फंक्शन है, इसको किससे डिफरेंशिएट करना है, थीटा के साथ करना है, ओके। नॉर्मली आपको हैबिट होगा एक्स के साथ डिफरेंशिएट करने का, ओके। तो बहुत सारे बच्चे क्या हो जाते हैं, मिस्टेक कर देंगे, वहां पे एक्स के साथ लिख देंगे, तो वहां पे रॉन्ग मार्क्स उठने के चांसेस रहेंगे, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो हमारा फंक्शन है, ओके, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं, थीटा डिफरेंशिएट करो इसको, हाँ, इसको थीटा के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो d by d theta किसके पास, ये एक्स पे पहले जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, d by d theta क्या हो जाएगा, a sin theta हो जाएगा, ओके बच्चे, ठीक है, ओके। ये दोनों जो है ना, इसका यूज होने वाला आगे चल के कहीं पे भी, इसलिए ना मैं यहाँ पे थीटा का वैल्यू यहाँ पे पता कर लिया हूँ, ठीक है। अभी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखो ये कैसा हो जाएगा, dx upon me d theta विल बी इक्वल टू व्हाट, ये मेरा कांस्टेंट है, sin थीटा क्या होता है, sin थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, ओके। आगे अभी हम लोग सॉल्व करते हैं, आगे कैसा हो जाएगा, dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, dx विल बी इक्वल टू व्हाट, a cos थीटा इनटू व्हाट d थीटा इधर चले गया तो dx का वैल्यू मिल गया, ओके, ठीक है। अभी देखो ये
वैल्यू हमें मिलने से फायदा क्या हुआ बच्चों, कि अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, जब हम लोग यहाँ पे एक्स की जगह अभी क्या करते हैं, एक्स की जगह हम लोग जब ए साइन थीटा पुट करेंगे और डीएक्स की जगह अभी हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, ए कॉस थीटा पुट किया जा सकता है। तो चलो पुट कर देते हैं, ओके ठीक है। क्या हो जाएगा, आई विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वॉट स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या पुट करोगे, एक्स की जगह ए साइन थीटा पुट करोगे, ए साइन थीटा पुट करना है, लेकिन वहां पे तो एक्स का स्क्वायर दिया है, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ, एक्स का स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ए साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इंटू वॉट डीएक्स था, डीएक्स हमने क्या कैलकुलेट किया, डीएक्स का वैल्यू पता किया, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा इंटू वॉट डी थीटा हमने यहाँ पे पता किया। अभी इसको आगे थोड़ा सॉल्व करते हैं, आगे जैसा हो जाएगा यहाँ पे I will be equal to what integration of what, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, a square को common ले लिया मैंने, तो यहाँ पे 1 minus what cos, 1 minus sin square theta हो जाएगा, ठीक है, 1 minus what sin square theta हो जाएगा, okay, into में a cos theta बाहर multiply में, इसको ऐसे लिखते जाओ, ठीक है। आगे इसको हम लोग थोड़ा solve करते हैं, I will be equal to what integration of what, a square का square root के अंदर है तो क्या हो जाएगा, बाहर आएगा तो a हो जाएगा, ये अंदर कैसा हो जाएगा, देखो ये अंदर square root के अंदर 1 minus sin square theta है, 1 minus sin square theta को क्या लिख सकते हैं, cos square theta, ये किसके अंदर है, square root के अंदर, ओके ये ध्यान में रखो, ओके यहाँ पे a cos theta बाहर है into और d theta है, ओके इसको ऐसे लिखते जाने का, ठीक है, ओके। अभी आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, आई विल बी इक्वल टू वॉट इंटीग्रेशन ऑफ वॉट, ये कैसा हो जाएगा, ए ऐसे लिखा कॉस स्क्वायर थीटा, ओके स्क्वायर रूट के अंदर है, बाहर आएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कैसा, ए कॉस थीटा पहले से ही है और यहाँ पे कॉस थीटा है, ठीक है, इसको ऐसे लिखो इंटू वॉट डी थीटा। आगे इसको सॉल्व करते हैं, आई विल बी इक्वल टू वॉट, यहाँ पे ए मल्टीप्लाई क्योंकि क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, कॉस कॉस मल्टीप्लाई, ओके कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा इंटू वॉट डी थीटा, इंटू वॉट डी थीटा, ओके। आगे सॉल्व करते हैं इसको, I will be equal to a square क्या है, कॉमन ले लेंगे बिकॉज कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा cos square theta into और d theta, यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं theta के साथ, ये ध्यान में रखो, ठीक है, ओके। सो अभी हम लोग देखो बच्चों यहाँ पे cos square theta आया, अभी ध्यान में दो, कभी भी इंटीग्रेशन ऑफ वॉट cos square theta हुआ, sin square theta हुआ, तो आपको cos 2 theta, ओके cos 2 theta का जो फॉर्मूला होता है वही आपको यूज करना होगा, कैसे यूज करेंगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो कभी भी आपको ऐसा कुछ आता है cos square का, तो यहाँ पे इस फॉर्मूला यूज करने का, ठीक है, ये भी नॉर्मली आपको पता रहेगा, जो हमारा 1 प्लस, ओके 1 प्लस cos 2 होता है, 1 प्लस cos 2 थीटा होता है, उसे क्या लिख सकते हैं, 2 फॉर्मूले से आता है, उसके बाद क्या आता है, cos स्क्वायर थीटा आएगा, राइट 2 cos स्क्वायर थीटा ऐसा आ जाएगा, जब ये माइनस रहा 1 माइनस, यहां पे मैं cos 2 थीटा लिखता हूं, 1 माइनस cos 2 थीटा लिखता हूं, तो यहां पे 2 फॉर्मूले से आएगा, यहां पे क्या होता है sin स्क्वायर थीटा आ जाता है, sin स्क्वायर थीटा आता है, हमें यहां पे sin का से जरूरत नहीं है, sin से कोई मतलब नहीं, यहां पे हमें cos स्क्वायर थीटा दिया हुआ है ना, तो हम ये वाला यूज करेंगे, लेकिन अगर एग्जाम में यहां पे cos sin स्क्वायर थीटा आ गया तो आपको ये वाला यूज करके आपको करना पड़ेगा। हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इंटीग्रेशन का यहाँ पे कॉस स्क्वायर रहेगा तो कोई फॉर्मूला नहीं है, कॉस स्क्वायर रहेगा तो कोई फॉर्मूला नहीं है, बट सिर्फ कॉस का जब पावर 1 रहेगा तो उसके लिए फॉर्मूला है, ठीक है, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं, ओके ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया, ये कब यूज करें, जब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा रहेगा, हम लोग अभी ये वाला यूज करते हैं, इसको क्या करो, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा दिया, बट यहाँ पे 2 दिया, तो हम लोग 2 को डिवाइड कर देते हैं, किससे, इससे, तो 1 प्लस वॉट कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय वॉट 2 विल बी इक्वल टू वॉट cos square theta, okay, will be equal to cos square theta, ये इसके equal है, यानी कि हम लोग यहाँ पे put कर सकते हैं, I will be equal to a square integration of what, 1 plus cos 2 theta, 1 plus cos 2 theta, divide by what, divide by 2 into what, यहाँ पे क्या हो जाएगा, d theta, यहाँ पे क्या हो जाएगा, d theta, okay। आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, यस हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे करेंगे, यहाँ पे देखोगे हमारा जो ये ए स्क्वायर बाय टू है, ए स्क्वायर बाय टू को मैंने बाहर ले लिया, ये क्या है, 1 प्लस वॉट कॉस 2 थीटा है, 1 प्लस वॉट कॉस 2 थीटा है इंटू वॉट डी थीटा, ओके इंटू वॉट डी थीटा, ठीक है, ओके। आगे सॉल्व करने के लिए देखो ये जो इंटीग्रेशन इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा, लेकिन किसके, ये साथ में रहेगा, ओके ए स्क्वायर बाय टू साथ में रहेगा, ठीक है, तो कैसा हो जाएगा, ए स्क्वायर बाय टू इंटीग्रेशन ऑफ वॉट 1 इंटू वॉट डी थीटा, ओके बीच में प्लस साइन है तो प्लस आ गया, अगेन ए स्क्वायर बाय टू इंटीग्रेशन ऑफ वॉट, यहाँ पे क्या है, कॉस 2 थीटा है, कॉस 2 थीटा, ओके जस्ट गिव मी सेकंड, यहाँ पे कुछ, ओके सो ये कैसा हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ वॉट कॉस 2 थीटा, यहाँ पे लिखेंगे कॉस 2 थीटा इंटू वॉट डी थीटा हो जाएगा, ओके ठीक है। अभी इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, जहाँ जहाँ इंटीग्रेशन वहाँ वहाँ हम लोग इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, ए स्क्वायर बाय वॉट 2, ए स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ वॉट 1 थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ वॉट 1 थीटा और 1 डी थीटा, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ वॉट
वन डी एक्स या डीएक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ वॉट आपको पता रहेगा नॉर्मली, इंटीग्रेशन ऑफ वॉट डीएक्स क्या होता है, एक्स प्लस सी होता है, क्या होता है एक्स प्लस सी। यहाँ पे तो हमारा डी थीटा दिया हो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इंटू में हमारा थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बाय टू है इंटू में हमारा कॉस टू थीटा दिया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू थीटा, यानी कि कॉस थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा का क्या होता है साइन थीटा होता है ओके। यहाँ पे लेकिन कॉस टू थीटा दिया हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन टू थीटा हो जाएगा ठीक है ओके। बट हमें यहाँ पे देखो थीटा कोफिशिएंट क्या है टू है, तो इंटीग्रेशन हमेशा कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ता है ओके। वन रहेगा तो नहीं डिवाइड करेंगे, बिकॉज वन से डिवाइड करो तो वापस वही आएगा, बट टू रहेगा थ्री रहेगा कोई और कोफिशिएंट रहेगा तो डिवाइड करना पड़ेगा, एंड में प्लस सी लिखेंगे बिकॉज इंटीग्रेशन हर जगह अप्लाई हो चुका है ठीक है। अभी आगे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते बच्चों, आई विल बी इक्वल टू वॉट, आई विल बी इक्वल टू वॉट ए स्क्वायर बाय टू थीटा ओके, प्लस प्लस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर ओके, ए स्क्वायर बाय फोर, ए स्क्वायर बाय फोर साइन टू थीटा ओके, साइन टू थीटा प्लस सी हो गया ठीक है ओके। यहाँ पे देखोगे बच्चों यहाँ पे हमें जो आई का वैल्यू मिला है वो थीटा और साइन टू थीटा के फॉर्म में मिला है, बट हमारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन में क्या है एक्स और ए के फॉर्म में, यानी कि थीटा का कोई नामो निशान नहीं है यहाँ पे ओके। हमने अपनी तरफ से पुट किया है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ से थीटा को हटाना पड़ेगा, थीटा को यहाँ से क्या करना पड़ेगा हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, यहाँ पे हमने जो पुट किया था ना, यहाँ पे देखो क्या पुट किया था एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा पुट किया था ना, तो साइन थीटा का क्या वैल्यू आया था एक्स अपॉन में, तो क्या हम लोग ऐसा पुट कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। पहले तो देखो साइन थीटा का वैल्यू क्या आया यहाँ पे एक्स अपॉन में, तो थीटा का वैल्यू क्या आया था साइन वर्स ऑफ एक्स अपॉन में, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं देखो यहाँ पे यहाँ पे सिंस करके लिखता हूँ, सिंस एक्स इक्वल टू क्या था ए साइन थीटा था, एक्स इक्वल टू क्या था ए साइन थीटा है राइट ओके ठीक है। तो साइन थीटा का वैल्यू हमने क्या पता किया था, साइन थीटा इज नथिंग बट व्हाट एक्स अपॉन में ठीक है। तो थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा का वैल्यू क्या है साइन इनवर्स ऑफ व्हाट, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन में, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन में। अब ये जो ये हमें किसका मिल गया बच्चों, ये देखो ये वाला थीटा जो है ना इसका वैल्यू मिल गया इन टर्म्स ऑफ एक्स अपॉन में ठीक है, इसका हो गया, इसका काम तमाम हो गया। अभी हम लोग क्या करते हैं ये वाला जो है ओके, ये जो साइन टू थीटा है ओके, इसका हम लोग क्या करते हैं वैल्यू पता करते हैं, वैल्यू पता करते हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट एक्स और ए के फॉर्म में ओके। तो कैसे करेंगे, देखो साइन टू थीटा को तो डायरेक्टली हम लोग नहीं कर सकते ना, बट साइन टू थीटा का एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है साइन टू थीटा ओके। यहाँ पे देखो साइन टू थीटा इज इक्वल टू क्या होता है टू इंटू साइन थीटा, टू इंटू साइन थीटा इंटू व्हाट कॉस थीटा ठीक है। अभी देखो टू लिखा साइन थीटा, साइन थीटा का देखो साइन थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एक्स अपॉन में क्या है, वैल्यू क्या है यहाँ पे एक्स अपॉन में ए है ओके। मतलब साइन थीटा इक्वल टू क्या है एक्स अपॉन में ए इन टर्म्स ऑफ एक्स और ए के वैल्यू में ओके। उससे इंटू व्हाट कॉस थीटा, क्या हमें कॉस थीटा पता है क्या, नहीं कॉस थीटा नहीं पता है, बट हम लोग पता कर सकते हैं, जब हमें साइन थीटा पता होता है तो कॉस थीटा पता किया जा सकता है यूजिंग आइडेंटिटीज फॉर्मूला, तो वो भी यूज कर लेते हैं फटाफट, उसको भी यूज करते हैं ठीक है। वो कैसे करेंगे देखो इस यहाँ पे नॉर्मली आपको पता रहेगा साइन स्क्वायर थीटा ओके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस व्हाट कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है वन होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देन कॉस थीटा विल बी इक्वल टू वॉट स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू ऑलरेडी क्या पता है हमें, बताओ हमें क्या वैल्यू है यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू क्या है यहाँ पे, साइन थीटा का वैल्यू है एक्स अपॉन में ए, तो यहाँ पे एक्स अपॉन में ए दी होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको फर्दर हम लोग क्या करते हैं बच्चों सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस वॉट एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय वॉट ए स्क्वायर ओके। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ वॉट ए स्क्वायर माइनस वॉट एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर ही रह जाएगा, और ये हमारा जो ए स्क्वायर है स्क्वायर रूट के अंदर है, तो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ये किसका वैल्यू है, ये वैल्यू है कॉस थीटा का वैल्यू है, क्या है कॉस थीटा का वैल्यू। ये वैल्यू हमें कहां पुट करना था, इसकी इसकी जरूरत कहां पे थी, इसकी जरूरत यहां पे थी, तो क्या है वैल्यू है क्या है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ क्या है हमारा बच्चों यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ वॉट ए स्क्वायर माइनस वॉट एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय वॉट ए आया है डिवाइड बाय ए। इसको फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये किसका है साइन टू थीटा का फॉर्मूला है। अगेन साइन टू थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन टू थीटा कैन बी रिटन एज वॉट, देखो यहाँ पे हमारा कैसा हो जाएगा, ये टू लिखा मैंने इधर ओके, इधर टू लिखा इंटू वॉट एक्स लिखा डिवाइड बाय टू इंटू एक्स डिवाइड बाय वॉट ए स्क्वायर हो जाएगा ठीक है, ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा इंटू में क्या है ये ए स्क्वायर माइनस वॉट एक्स स्क्वायर ओके ओके।
ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे रेड कलर में कर दे रहा हूँ बिकॉज इन्हीं दोनों को यूज करना था ना। ठीक है, इन्हीं दोनों को यूज करना था, एक तो साइन टू थीटा को यूज करना था और एक ये जो हमारा है थीटा इक्वल टू व्हाट साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन में, ये दोनों को वैल्यू पता करना था बिकॉज यही दोनों यहाँ पे थे। ओके, जो कि बेसिकली थीटा के फॉर्म में थे। ठीक है, अभी हम लोग आगे पुट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, पुट कर देते हैं बच्चों, क्या था हमारा क्वेश्चन में, सबसे पहले वहाँ पे जो एक्सप्रेशन था वो लिख लेता हूँ। कौन सा क्या एक्सप्रेशन था, आई इक्वल टू व्हाट ए स्क्वायर बाय टू थीटा प्लस व्हाट ए स्क्वायर बाय व्हाट फोर। ओके, ए स्क्वायर बाय फोर एक बार देख लेते हैं हम लोग, क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर बाय फोर साइन टू थीटा है। ओके, साइन टू थीटा प्लस सी, साइन टू थीटा प्लस सी। ओके ओके, यहाँ पे साइन टू थीटा प्लस सी, साइन टू थीटा प्लस सी। ओके ठीक है, ओके देखो ए स्क्वायर है यहाँ पे, बाय टू है थीटा। ओके ठीक है, अभी क्या करते हैं, यहाँ पे देखोगे डिवाइड बाय टू भी था, हमने टू टू मल्टीप्लाई के फोर कर दिया था। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज को पुट कर देते हैं। आई विल बी इक्वल टू व्हाट ए स्क्वायर बाय टू लिखा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा, थीटा क्या दिया हुआ है, थीटा का वैल्यू है साइन इनवर्स ऑफ व्हाट एक्स अपॉन में ए है। ओके, उसके बाद क्या है हमारा ए स्क्वायर बाय व्हाट फोर है इनटू में साइन टू थीटा। ये देखो यहाँ पे हमने साइन टू थीटा का वैल्यू क्या कैलकुलेट किया, टू एक्स अपॉन में ए स्क्वायर। ओके, टू एक्स अपॉन में ए स्क्वायर। ओके, यहाँ पे 2x अपॉन में a स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट a स्क्वायर माइनस व्हाट x स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। आगे थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, सिंपलीफाई करते हैं, यहां पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर बाय 2 sin इनवर्स ऑफ व्हाट, sin इनवर्स ऑफ x अपॉन में a, x अपॉन में प्लस, ये देखो a से a कैंसिल हो गया, 2 1 2 2 2 4। ओके, और कितना हो जाएगा ये हमारा x बाय टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट ए स्क्वायर माइनस व्हाट एक्स स्क्वायर। ओके, लास्ट में यहाँ पे प्लस सी भी आ जाएगा, यहाँ पे प्लस सी भी आ जाएगा। ठीक है, और इधर भी प्लस सी रहेगा, प्लस सी रहेगा। ठीक है, ओके, हमें मेरे ख्याल से हमारा जो यहाँ तक आंसर था अभी आ चुका है। ठीक है, इसको थोड़ा और मैं कर देता हूँ। देखो हमने आई का वैल्यू क्या लिया था, लेट किया था ना, I कौन सा क्या वैल्यू था आई का, इंटीग्रेशन ऑफ वॉट स्क्वायर रूट ऑफ, इंटीग्रेशन ऑफ वॉट स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रहेगा माइनस वॉट एक्स स्क्वायर इंटू वॉट डी एक्स रहा, तो इसका जो वैल्यू आ रहा है ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स ऑफ वॉट साइन इनवर्स ऑफ। यहाँ पे क्वेश्चन में देखो तो पहले ये दिया हुआ है, पहले ये टर्म दिया हुआ है, पहले ये वाला पूरा टर्म दिया हुआ है, क्योंकि देखो सब प्लस में है तो आगे पीछे आप लिख सकते हो, आगे पीछे आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x अपॉन में 2 स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट ए स्क्वायर माइनस व्हाट x स्क्वायर प्लस व्हाट प्लस ए स्क्वायर बाय 2 ए स्क्वायर बाय 2 यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ व्हाट x अपॉन में a प्लस c। ओके, प्लस c हो जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे हो गया, देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा वेरीफाई हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखोगे क्या है, x अपॉन में 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस सी। आई थिंक हमारा करेक्ट है, एक्सप्रेशन करेक्ट है। ओके ठीक है, आते हैं यहाँ पे हमें करेक्ट मिल रहा है। ओके, ऐसे हमें सॉल्व करना है, ऐसे एक्सप्रेशन में ऐसे हमें सॉल्व करना होता है। ओके, मैं आपको क्विक रिकैप देता हूँ कैसे ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, कैसे हमें सॉल्व करना चाहिए ऐसे प्रॉब्लम को। ठीक है, देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आई इक्वल टू जो भी यहाँ पे दिया रहेगा वो ले लेना है। उसके बाद यहाँ पे इससे रिफर करना है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन में ए लाने के लिए आपको एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा पुट करना पड़ेगा। पुट किया फिर साइन थीटा का वैल्यू कैलकुलेट कर लेना और थीटा का भी पता कर लेना। ओके, जो कि आगे चल के यूज होने वाला है, इसको डिफ्रेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू थीटा, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट थीटा से करना होता है। ओके ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना थीटा के साथ, जो भी आएगा डीएक्स के फॉर्म में आप वैल्यू कैलकुलेट कर लेना थीटा, मतलब इन टर्म्स ऑफ व्हाट थीटा डीएक्स का वैल्यू, उसके बाद पुट कर देना जो जो वैल्यू आप पुट किए हो, मतलब जो जैसे एक्स का वैल्यू आपने ए साइन थीटा पुट किया तो सब्सिट्यूट कर देना, फिर यहाँ पे डीएक्स का वैल्यू फाइंड आउट किया वो भी सब्सिट्यूट कर देना यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा, ये ध्यान में रखना जब भी कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है तो आपको यू नो कॉस टू थीटा, ओके, वन प्लस कॉस टू थीटा वन माइनस साइन टू थीटा का हेल्प लेकर ये सॉल्व करना है। ओके ठीक है, आगे इसको कैसे सॉल्व करोगे, आगे इसको नॉर्मल जो होता है इंटीग्रेशन दोनों पास जाएगा, उसके बाद डी थीटा भी जाएगा और उसको सॉल्व कर दो। ओके, यहाँ पे ध्यान में रखना थीटा और साइन टू थीटा पता करना है, थीटा तो ऑलरेडी आप पता कर सकते हो राइट, जैसे कि मैंने अभी पहले बता दिया था, लेकिन ये साइन टू थीटा को पता करने के लिए हम लोग साइन टू थीटा का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। साइन टू थीटा में हमें साइन थीटा अगेन मिलेगा, उसका वैल्यू गया, कॉस थीटा पता करने के लिए आइडेंटिटी फॉर्मूला पता करना पड़ेगा। ओके, तो आपको ऐसे मतलब इसको कुछ याद नहीं करना है, आपको क्या आगे करना है ना ऑटोमेटिकली आपको ध्यान में आना चाहिए और आ जाएगा।
ओके, अगर आप एक बार कर लिए ना तो आपको मतलब ऐसे माइंड में रहेगा, आप इजिली कर पाओगे ओके, इसमें कोई यहाँ पे बाहर करने की चीज नहीं है ओके। ठीक है, आगे इसको क्या करो, जो भी वैल्यूज आपको मिले उसमें पुट कर दो, यू विल बी गेटिंग दिस फाइनल एक्सप्रेशन विच इज नथिंग बट वॉट दिस ओके ओके। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको छोड़ने नहीं है, आपको करने हैं ठीक है ओके। ऐसा करते आपको ये समझा रहेगा, इसका जो पीडीएफ नोट्स है वो आपको मिल जाएगा दिनेश सर ऐप पे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, रिफर कर सकते हो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय, ऑल द बेस्ट।